Information and Broadcasting Government of India. साथ में राजस्थान से चुने गए राज्यसभा के हमारे आदरणीय सांसद भी हैं, श्री प्रभुलाल जी सैनी, ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर एग्रीकल्चर एनिमल हस्बेंड्री गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान. मंच पर बैठे हुए हमारे सब मंत्रीगण, हमारे सांसदगण, एक्सलेंसीज, मेंबर्स ऑफ द बिजनेस कम्युनिटी, मेरे सामने बैठे हुए कोटा के सब विधायकगण, जनप्रतिनिधिगण, उपस्थित सब किसान भाई बहन बहने एंड एक्सलेंसीज, आज मैं भी आपका स्वागत इस ग्राम के बहुत ही सुंदर आयोजन के अंदर करना चाहती हूं. मेरे से कई लोगों ने यह पूछा कि इस ग्राम का क्या औचित्य है. मैं सिर्फ आपको इतना ही कहना चाहती हूं कि शायद ही राजस्थान के इतिहास में पिछले दो वर्षों के, मैंने 2016 नवंबर और 17 अब के अंदर, इस तरीके से इतना बड़ा आयोजन सिर्फ किसान किसानों के लिए आज राजस्थान सरकार ने किया है, यही आपने आप में एक बहुत ही बड़ी बात. आजादी के बाद पहली दफा इजराइल के, ईरान के, ताजिकिस्तान के, कजाकिस्तान के, नाइजीरिया के, जापान के, नेदरलैंड के, यूके के, ऑस्ट्रेलिया के, और आज हमारे मंच पर बैठे हुए जो महानुभाव आए हुए हैं उसमें उज्बेकिस्तान के, मलेशिया के, जो आज हमारा पार्टनर कंट्री है, और उनके साथ अन्य और नेपाल के मंत्री भी हैं, सब लोग यहाँ आए हुए हैं. इसलिए आए हुए हैं कि उनको भी समझ में आ गई है कि इस क्षेत्र के अंदर कोई बहुत ही अनुकरणीय और नवीन किस्म की एक बहुत बड़ी योजना लागू कर दी गई है जिससे किसान अपने पैर पे खड़े हो सके. जैसे आपको बताया गया पिछले बार करीबन 4,400 करोड़ के MOUs साइन किए गए थे. किसान अपने पैर पे खड़ा हो जाए, किसान को हम उन्नत किसान बनाने की कोशिश करें, हम उसकी जमीन को ठीक करें, उसकी सिंचाई का इंतजाम करें, खाद और बीज का इंतजाम करें, इतना ही नहीं होता है, इसमें प्रोसेसिंग और एग्री बिजनेस इसको भी लाना एक बहुत जरूरी काम है. अभी कम पानी और अधिक पैदावार, आधुनिक तकनीक, इसको किस तरीके से इस्तेमाल किया जाए, बाजार की क्या मांग है और उस मांग के अनुरूप क्या हम पैदावार कर रहे हैं क्या, और खेत में कम से कम 3 अच्छी किस्म की फसलें हम काटना चाहेंगे, और हमारा किसान किस तरीके से स्वावलंबी बने, इन चीजों को ध्यान में रखने की हम लोगों ने कोशिश की है. मैं आपसे इतना ही बताना चाहूंगी कि ग्राम अगर पिछले साल और इस साल सुनियोजित तरीके से खड़ा हो जाता है तो जाजम बैठकों के द्वारा, विशेषज्ञों के द्वारा, मीटिंग्स और के बीच में अगर किसान एक दूसरे के साथ बैठ के उनके जो बहुत अच्छी और बड़ी योजनाएं हैं उनको क्रियान्वित करने की कोशिश करें, सरकार उसका पूरी तरह से सहभागी बनके उनका साथ दे, तो मैं समझती हूं कि बहुत ही सारी नवीन और अच्छी चीजें किसानों के सामने आ सकती हैं. अभी अभी मैं कोटा का देख रही थी, कुछ आपको अभी प्रभुलाल जी ने और नीलकमल जी ने कुछ बताने की कोशिश की. मैं सिर्फ इतना बताना चाहूंगी आपको कि हाड़ौती संभाग ने कृषि हब का एक रूप लिया हुआ है. लगभग 93% कृषि भूमि प्रदेश के अंदर, कृषि भूमि की औसत है 76%, अपने यहां है 93%. सिंचाई का तंत्र भी सबसे मजबूत अगर है तो वो यहां कोटा क्षेत्र के अंदर है. आज प्रदेश में सिंचित क्षेत्र जो है वो 29% है, पर कोटा संभाग के अंदर करीबन 50% सिंचित क्षेत्र हो गया है. ये तो कुछ छोटी बातें हैं जो आपके सामने बता रहे हैं, परंतु क्योंकि पानी की उपलब्धता यहां है, हमारे किसान ने उसको आगे ले जाने की कोशिश की है, और उसने ये कोशिश की है कि खाली
फ्लो इरिगेशन से नहीं परंतु उसको ड्रिप इरिगेशन पर कैसा लिया जाए और पानी की मोल समझ के उसने 28% ड्रिप सिंचाई के अंदर अपने आप को ले जाने की कोशिश की। अगर ये अच्छी तरह से साबित हो जाता है तो मैं समझती हूं कि आने वाले समय के अंदर नई टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए हम हाइड्रोपोनिक्स और एरोपोनिक्स को इस्तेमाल अगर करते हैं तो 30 गुना अपनी पैदावार बढ़ सकती है। अगर अपन देखें तो धान, उड़द, मसूर और सोयाबीन, इसके उत्पादन के अंदर हमारा प्रदेश प्रथम है और तिलहन में हम लोग दूसरे नंबर पे हैं और गेहूं में हम तीसरे नंबर पे हैं। अभी मैं कोटा का भी देख रही थी, अश्वगंधा और ईसबगोल ये प्रमुख औषधीय फसल हमारे लिए है और मैं समझती हूँ कि अब समय आ गया है कि हम जो महंगी फसल है, जो अच्छी बिकने वाली फसल है, उसके ऊपर ध्यान दें। अभी हम बात कर ही रहे थे कि हमारे पूरे क्षेत्र के अंदर नई नई फसलें हम लोगों ने लाने की कोशिश की है। हॉर्टिकल्चर के अंदर जैतून की खेती बहुत अच्छी तरह से टेक ऑफ हो गई और मैंने देखा कि इसकी रिफाइनरी भी बनी, तेल भी इसका बना और बहुत अच्छी तरह से वो बिका भी। और ये एशिया के अंदर पहली बार, इसराइल के अंदर होता है, बाहर भी होता है, परंतु एशिया के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर पहली दफा ये यहाँ हुआ है। पश्चिमी राजस्थान के अंदर खजूर की खेती भी हो गई है और किनोवा की खेती का पहली दफा यहाँ कोशिश किया गया है और मैं समझती हूँ उसका भी लाभ हम लोगों को यहाँ मिलेगा। सोजने की फली, अब हम लोग सोचते हैं कि सोजने की फली क्या चीज है, डंडी तोड़ के और लगा दी जमीन के अंदर तो पेड़ ही उग गया। हर एक आदमी के घर में सोजने की फली के पेड़ तो है ही है, हम लोग सब उसको पसंद करते हैं, चाहे कितना भी अमीर हो चाहे कितना भी गरीब हो, उन सबके पास सोजने की फली का माने पेड़ कहीं ना कहीं उनके बगीचे में है ही। मैं आप लोगों को यह कहना चाहती हूँ कि आजकल दुनिया के अंदर टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए रिसर्च करने के बाद ये पता किया गया है कि उसके अंदर एक ऐसी औषधीय कैपेबिलिटी है जिसको अगर खाता है आदमी तो उससे वो बीमार नहीं हो सकता। अलग अलग किस्म की बीमारियां हैं जिसके एक कैप्सूल से इसका काम हो सकता है। तो मैं तो मानती हूं कि इसकी तो जोरदार खेती अपने को करनी चाहिए। ड्रैगन फ्रूट पहली दफा आपके यहां लगा हुआ है, सीताफल इतने बड़े बड़े, मैं किलो के हिसाब से चलती नहीं हूं पर मैंने ऐसे सीताफल तो पहले देखे नहीं है। महाराष्ट्र में पहली दफा देखा था, वहां से यहां लाने की हम लोगों ने कोशिश की थी और मैं समझती हूं कि उसका फायदा हम लोगों को पूरी तरह से मिला। स्ट्रॉबेरी ये भी आपने देखा है और अपने क्षेत्र के अंदर चल रहा है। यहां हमारे कई तो किसान भी हैं जिन्होंने नवाचारों को अपनाया, चाहे वो झालावाड़ जिले के हों, चाहे वो बारा जिले के हो, बूंदी जिले के हो या कोटा जिले के हो, सब लोगों ने ये कोशिश की है कि कम से कम पानी का इस्तेमाल करें, खाद और बीज अच्छा हो और ज्यादा से ज्यादा पैदावार हम लोग लाने की कोशिश करें। एक तो किसान ऐसा है जिसने कोटा के अंदर सदाबहार आम एक किस्म होती है जिसको उसके ऊपर उन्होंने पेटेंट करके और जाके राष्ट्रपति जी को देने का काम किया है। राष्ट्रपति जी इससे इतने खुश हुए, अपने मुगल गार्डन के अंदर उनको लगाने का काम भी उन्होंने किया है और उस प्रयास का उन्होंने भरपूर सराहना की। तो मैं ये कहना चाहती हूं कि हमारे चारों जिलों के किसान बड़े उन्नत किसान हैं, अपने पैर पे खड़े होने वाले किसान हैं, नवाचार को सीखने के लिए तैयार हैं और इसीलिए मैं समझती हूं कि इस ग्राम का फायदा उन लोग सबको मिलने का मिलेगा। इसी तरीके से मैंने देखा कि बाड़मेर के अंदर अगर अनार है तो यहाँ क्षेत्र के अंदर भी अपन ने बहुत अच्छा अनार, बहुत अच्छा संतरा और अभी अभी दो बड़े सेंटर्स ऑफ एक्सलेंस हम लोगों ने चालू करने की कोशिश की है। एक तो यहाँ खुद कोटा के अंदर और एक झालावाड़ के अंदर भी हम लोगों ने वो चालू किया है। मैं समझती हूँ कि उसका फायदा भी हम लोगों को मिलेगा। अभी अभी सॉइल हेल्थ कार्ड की बात प्रधानमंत्री जी ने की थी, सरकार के दो साल के अंदर उन्होंने सूरतगढ़ के अंदर एक बहुत बड़ी मीटिंग करके सबको ये कहा था कि सॉइल हेल्थ कार्ड अपने को करने की जरूरत है। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि सॉइल हेल्थ कार्ड पिछले 2003 और 8 के बीच में हम लोगों ने काम चालू किया था, वो भी गुजरात को देख के तब हमने शुरू किया था और मुझे याद है कि 30 लाख करीबन सॉइल कार्ड तब बन गए। अब 3 साल के अंदर 45 लाख बन गए
और मुझे बताया ये जा रहा है कि जुलाई के महीने तक ये 70 लाख तक हम पहुंचा देंगे, और मैं समझती हूँ कि ये एक बहुत बड़ा काम हम लोगों ने कर लिया होगा। इसके साथ साथ किसानों के अनुदान की तरफ अगर आप ध्यान दें, मैंने अभी पता किया, मैंने कहा कि हम लोगों ने एग्रीकल्चर के अंदर किसानों को अपने पैर पे खड़ा करने के लिए टोटल पैसा कितना दिया, तो मेरे को ये मालूम पड़ा कि करीबन 27,000 करोड़ हमने सिर्फ अलग अलग चीजों के अंदर दिया है। उसको अगर हम डिवाइड कर देते हैं तो मैं ये देख रही हूं कि 3 वर्षों में करीबन इसमें से 23,000 करोड़ रुपया बीमा में, बिजली क्षेत्र में, सौर ऊर्जा में, कृषक साथी योजना के अंदर, किसान कलेवा के अंदर, बीज ग्राम योजना के अंदर, बीज वितरण के अंदर, परंपरा कृषि प्रदर्शनी जैसे लग रही है उनके अंदर, डिग्गी फुआरा और पॉन्ड्स के अंदर हम लोगों ने करीबन इतना पैसा दिया है। दो तो मैं तुरंत ही कहना चाहूंगी, 8,500 करोड़ रुपए की बिजली जिसके ऊपर अनुदान हम लोगों ने हमारे किसान भाइयों को दिया है। मुझे याद है कि सब लोगों ने जब दाम बढ़ गए थे, और वो भी पिछली सरकार की वजह से हुआ, क्योंकि हमारे ऊपर करीबन 60-70 हजार करोड़ का कर्जा पिछली सरकार हमको छोड़ के गई थी, तो सबको ध्यान में रखते हुए जब किसानों ने हमको ये कहा कि बिजली का बहुत बड़ा प्रभाव हमारे ऊपर है, हम इसका भार नहीं वहन कर सकेंगे, तो रोल बैक करते हुए हम लोगों ने करीबन 8,500 करोड़ रुपए की सब्सिडी हमारे किसानों को देने का काम किया, और अपने खुद के ऊपर उसको वहन करने का काम किया, और मैं समझती हूँ कि उसका आपको सब लोगों को बहुत सारा फायदा यहाँ मिला हुआ है। इसके साथ साथ फसल खराबा, प्रधानमंत्री बीमा योजना, इन सब चीजों के अंदर जितने पैसे दिए करीबन 8,000 करोड़ रुपया, उसके अंदर अलग से पैसे देने का काम हम लोगों ने किया है, और मैं समझती हूँ कि इन सब चीजों की वजह से हमने अपने किसानों को अपने पैर पे खड़ा करने की कोशिश की। आज साथ साथ किसान को फायदा हम लोगों ने किस तरीके से दे सकते हैं, तो सहकारिता मंत्रालय से भी हम लोगों ने मदद उनको जिसके साथ जोड़ के किसानों को किस तरीके से अपने पैर पे खड़ा किया जाए, तो राज्य सरकार सहकार व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा के अंदर करीबन 6 लाख रुपया अब इस वर्ष से प्रावधान कर रही है, जबकि पिछले सरकार के टाइम में 50,000 से ज्यादा मिला नहीं करता था, आज 6 लाख हमारे किसान को मिलने जा रहा है, वो अपने आप में एक बहुत बड़ा काम है। राजस्थान में इस वर्ष करीबन 15,000 करोड़ रुपए का ब्याज मुक्त फसली ऋण सहकारी समिति के सदस्यों को हम लोग उपलब्ध करवा रहे हैं, और 25 लाख काश्तकार को हम इसके द्वारा लाभान्वित करेंगे। काश्तकार की आमदनी को किस तरीके से बढ़ाया, प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि इसको डबलिंग ऑफ इनकम हमको करने की जरूरत है। डबलिंग ऑफ इनकम करना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारा खेत का किसान अगर मजबूत हो जाता है तो हमारा प्रदेश मजबूत है, और हमारा प्रदेश मजबूत है तो आप जानते हो कि देश तो मजबूत होना ही। काश्तकार की आमदनी बढ़ाने के लिए सहकारिता विभाग द्वारा स्टोरेज की सुविधा में हमने 2 रुपए प्रति क्विंटल की दर से 350 मेट्रिक टन की सुविधा सहकारिता के गोदामों के अंदर उपलब्ध करवाई जाए, ऐसा काम किया है, और इस पर काश्तकार को 75% ऋण की उपलब्धि करवाई गई। राजस्थान के काश्तकारों को कम ब्याज दर पर फसली ऋण सहकारी बैंकों के द्वारा हम लोग उपलब्ध करवा रहे हैं, और अन्य सभी बैंक ब्याज दर सहित बैंकों, मैं समझती हूँ कि जो हम लोग ब्याज दे रहे हैं और जो बैंक ब्याज दे रहा है उससे बहुत बड़ा अंतर है। आज राजस्थान सरकार सहकारी बैंक से ऋण देने हेतु ब्याज दर जो है करीबन 12 से 14% से घटाकर अब 7.1% पे लेके आ गई है, जिसका फायदा हजारों किसानों को अब मिलने वाला है। डेयरी समिति के अंदर भी दुग्ध उत्पादक सदस्यों की अगर किसी की मृत्यु होती है तो 1 लाख की राशि की जगह अब 5 लाख रुपए देने का हम लोगों ने प्रावधान किया है। जहां तक कृषि मंत्रालय है, वहां अगर अपंग हो जाता है काम करते करते किसान अपने खेत के ऊपर, तो 30,000 रुपए उसको मिला करते थे, अब उसको 50,000 रुपए मिलते हैं, और अगर मृत्यु हो जाती है तो 1 लाख रुपए से बढ़ाकर अब उसको 2 लाख रुपए तक ले जाते हैं। तो मैं समझती हूँ कि ये भी एक अपने आप में बहुत बड़ा काम है। किसान कलेवा के अंदर आप लोग सब जानते हो कि सब मंडियों के अंदर अब भोजन का काम हम लोगों ने कर दिया, और वो भी 5 लाख रुपए के। पर सबसे बड़ी बात तो ये है कि आज हम लोग टेक्नोलॉजी के साथ
किस तरीके से हमारे किसान को हम जोड़ सकते हैं, उसकी कोशिश हम लोगों ने यहां करने की थी। आज मैं आप लोगों को यह बताना चाहती हूं कि एक ऐप निकला है जो गिरधावरी ऐप कहलाया जाता है, वो 9 तहसीलों में आज सफलतापूर्वक काम करना शुरू कर दिया है। ये ऐप सितंबर 2017 के अंदर पूरे प्रदेश के अंदर काम करने में चालू हो जाएगा और इसमें क्रॉप कटिंग का जो एक्सपेरिमेंट एप्लीकेशन है वो भी हम इसके अंदर जोड़ के उसको भी आगे कराएंगे। बीमा के ऊपर बीमा के क्लेम वगैरह भी आप लोग करा सकते हो। क्रॉप इंश्योरेंस का एक बहुत अच्छा पोर्टल भी हम लोगों ने खोल दिया है और इस पोर्टल की मदद से आप फॉर्म भी भर सकते हैं, प्रीमियम का भुगतान, क्लेम, ये सब किसानों को एक सिंगल विंडो सिस्टम के द्वारा आराम से मिल सकता है। इस पोर्टल पे 18 लाख 1 लाख 2 लाख नहीं 18 लाख हेक्टेयर के लैंड रिकॉर्ड्स को भी हमने चढ़ाने का काम कर दिया है और आधार और केवाईसी से जुड़े होने से किसान को अब कोई कागजी कार्रवाई करने की जरूरत नहीं होगी और वो अपने ये सब सुविधाओं को घर बैठे एक्सेस कर सकेगा, माने उस तक पहुंच सकेगा। मैं समझती हूँ कि इतना एडवांस इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे किसान को मिल जाएगा, धीरे धीरे इसको भी समझने को उसको भी इस्तेमाल करने का काम उसके ध्यान में आ जाएगा तो आने वाले समय के अंदर कोई प्रॉब्लम उसको होने वाली नहीं। इस बार पिछले 3 साल से बीज और खाद के लिए भी हम लोगों ने बहुत मेहनत करके और कोशिश करके उसको भी आगे लाने का हम लोगों ने काम किया है। मैं आपको सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूँ कि जैविक खेती को यूरिया वगैरह डालो, आपके खेत के अंदर आपका माने पैदावार ज्यादा हो जाता है, परंतु आपको सबको मालूम है कि आज दुनिया के अंदर लोग मानते हैं कि इस खाद की वजह से बीमारियां भी फैल गई और आने वाले समय के अंदर मैं आपको ये भी समझा दूं कि आपकी पैदावार भी धीरे धीरे कम होती जाएगी। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि आप इसके ऊपर ध्यान रखते हुए जैविक खेती की ओर बढ़ने का काम करें। जैविक खेती अगर आप लोग करोगे तो मैं मानती हूं कि पूरे राजस्थान के अंदर एक नई हवा बहने लगेगी। आप लोगों को मालूम होगा कि जो भी जैविक से उत्पादित आपका माल है वो अगर मार्केटिंग में ले जाता है तो उसके दाम और जो खाद के वजह से पैदावार होती है उसके दाम में करीबन दुगना तिगना फर्क होता है। लोग चाहते हैं आज के जमाने के अंदर कि उनको किसी भी तरीके से साफ सुथरा मैंने भोजन के लिए सामान मिले, इसलिए मैं चाहती हूं कि आप लोग सब अपने खेत के ऊपर एक जैविक खेती का हिस्सा बना के धीरे धीरे उस खेत को जैविक खेती के हिस्से में ले लिया जाए। आज डूंगरपुर को जैविक जिले के रूप में विकसित किया जा रहा है तो अगर डूंगरपुर हो सकता है तो कोटा क्यों नहीं, झालावाड़ क्यों नहीं, बारा क्यों नहीं, बूंदी क्यों नहीं। यहां ऐसे उन्नत किसान हैं जो इस चीज को आगे बढ़ाने का काम कर सकते हैं। पूरा जिला, मैं नहीं कह रही हूं कि आप लोग में इक्के दुक्के ऐसे नहीं है जो केयर कर रहे हैं, परंतु हम चाहते हैं कि पूरा का पूरा जिला उस तरफ चलेगा। अब 33 जिलों में 1150 क्लस्टर का काम हम कर रहे हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि हर ब्लॉक में एक क्लस्टर में जैविक खेती का काम तैयार हो जाए और इसकी वजह से आपकी गुणवत्ता बढ़ेगी, आपका माल अच्छा निकलेगा और उसका फायदा आप लोग सबको मिलेगा। मैं आखिर में आप लोगों को इतना ही कहना चाहूंगी कि कोई भी किसान आने वाले समय के अंदर अगर अपने खेत के ऊपर प्रोसेसिंग यूनिट लगाना चाहता है और लगाना चाहिए, ग्रेडिंग पैकिंग ये सब चीजों को अगर उसमें ले आता है और अगर उसको आगे ले जाने की कोशिश करता है और अगर 40 लाख का उसका इन्वेस्टमेंट होता है तो सरकार आपको 50% सब्सिडी उसकी देगी, माने 20 लाख तक। आप किसान को अगर वो प्रोसेसिंग का हाउस लगा देता है तो प्रोसेसिंग के लिए उसको 20 लाख तक की मदद सरकार देने को तैयार है। इसलिए बहुत जरूरी है कि आप लोग मेहरबानी करके अपने खेत के ऊपर प्रोसेसिंग लाने की कोशिश करें। आप देख रहे थे उस फिल्म के अंदर कहां से शुरू किया अपन ने और कहां तक अपन पहुंच गए, ये पूरे हिंदुस्तान के अंदर लोगों ने देखा है कि राजस्थान धीरे धीरे आगे बढ़ता चला गया है और आज क्योंकि हम लोगों को पानी मिल रहा है आपके इस पूरे क्षेत्र के अंदर, मैं आपको इतना ही कहना चाहूंगी कि मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन के द्वारा
कोटा के अंदर बहुत सारा काम हुआ है, चारों डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर काम हुआ है, पानी बचा है, पानी की बचत की वजह से ग्राउंड वाटर लेवल ऊंचा उठा है और आने वाले समय के अंदर भी अभी बहुत सारे काम आपके क्षेत्र के अंदर चल रहे हैं। मैं ये चाहूंगी कि आप लोग मेहरबानी करके उसकी मदद करेंगे और उसके चारों ओर पेड़ लगाने का फायदा आप अपने इस क्षेत्र को देंगे। बरसात होती है तो अगर पेड़ लगते हैं तो और अच्छी बरसात होती है और आपके वो माइक्रो टैंक्स वगैरह सब अच्छी तरह से भर जाएंगे, उसका फायदा हम लोगों को, हमारे किसान को इस क्षेत्र के अंदर मिलेगा। पेड़ लगाओगे तो मैं सबको कह रही हूं कि भैया आप लोग 5-5 पेड़ लगा दीजिए। किसी की डेथ हो गई है तो उसकी यादगार में, किसी की बेटी हुई है तो बेटी के लिए, किसी की शादी हुई है तो शादी की यादगार में, माने इस तरीके से अगर आप उसके नीचे अपना नाम लिख लोगे और पेड़ का संभाल कर लोगे और 5-5 पेड़ को संभाल लोगे तो मैं समझती हूँ कि अपने इस क्षेत्र के अंदर आपको खुद को बदलाव देखने का मौका मिलेगा। आज कोटा संभाग के अंदर विभिन्न सिंचाई परियोजना के अंदर माने छोटे छोटे 2,406 करोड़ रुपए हमने किया है, 4 लघु सिंचाई, 1 मध्यम और एक और कई माइक्रो सिंचाई योजना है जिसकी वजह से हमारा ये संभाग को फायदा मिल रहा है। परवन सिंचाई योजना का काम अब हम लोगों ने चालू कर दिया है और ये झालावाड़, बारा और कोटा इन जिलों के अंदर आप लोगों को अच्छा फायदा इसका मिलने वाला है। 313 गांव, 1,31,000 हेक्टेयर भूमि इससे लाभान्वित होगी और परवन सिंचाई परियोजना में 17 गांव को मुआवजा 702 करोड़ रुपए अवार्ड अभी पारित हो गया है। फिर हमने 300 करोड़ रुपया दिया है, जो काम बाकी बच रहा है उसको भी शुरू हम करना चाहते हैं और मैं कह रही हूँ कि 17-18 के अंदर 1,000 करोड़ रुपए का हम लोगों ने बजटिंग अलग से कर दिया है और मैं ये चाह रही हूँ कि सब परमिशन अब हमारे पास आ गए हैं तो कुछ ही 1 या 2 महीने के अंदर हम तैयार हो जाएंगे। पत्थर लगाने का काम हम और आप लोग सब मिलकर करेंगे, राजनैतिक रूप से नहीं परंतु असली तरीके से उस पत्थर को लगाने का हम काम करेंगे और उसका फायदा हमारे 3 डिस्ट्रिक्ट्स को मिलेगा। मैं मानती हूं कि ये भी अपने आप में, क्योंकि बिना पानी के हम लोग कुछ कर नहीं सकते। 12 जिले के अंदर लासी परियोजना चल चुकी है और 12 के अंदर चंबल की दाई मुख्य नहर काचरी लिफ्ट सिंचाई परियोजना ये भी 100% पूरा हो गया है और मैं मानती हूं कि इसका 1790 हेक्टर आप लोगों के तेल क्षेत्र तक कृषकों का इसका पानी मिलेगा, ये भी अपने आप में बहुत बड़ा काम हो गया। सबसे अच्छी बात तो यह है कि नहरों की खुदाई, सफाई और लाइनिंग ये भी काम हम लोगों ने अपने हाथ में लिया है। करीब 1,000 किलोमीटर का हम लोगों ने अपने इस पूरे क्षेत्र के अंदर एक अपने सामने काम रख के इसका काम चालू कर दिया है और गागरीन मध्यम सिंचाई परियोजना और रोशनबाड़ी लघु सिंचाई परियोजना झालावाड़ के अंदर हुई है, इसका फायदा भी हम लोग सबको मिलेगा। ऊर्जा के अंदर करीबन 13,000 कृषि कनेक्शंस अभी कोटा के अंदर हम लोगों ने जारी किए हैं, 765 केवी का 1, 132 केवी के 6 और 33 केवी के 67 हमारे जो ये सब स्टेशन है उनको हम लोगों ने स्थापित कर दिया है। और मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि ये तो कुछ ही काम है, पूरे काम तो हम आपको बता भी नहीं सकते, इतने सारे काम हैं। आने वाले समय के अंदर इसी कोटा कोटा में करीबन 1,000 करोड़ रुपए के MOUs 25 तारीख को फिर साइन होंगे और मैं समझती हूँ कि कल ही बैंकर्स की मीटिंग भी हम लोग यहाँ करना चाहते हैं ताकि बैंकर्स की मीटिंग का फायदा भी इस क्षेत्र के अंदर आप लोगों को मिल जाए। सबसे बड़ी बात है भाइयों, मैं सबसे कहती हूं कि हमने अपने किसानों को राजनीति से दूर रखने की कोशिश की है क्योंकि हम मानते हैं कि अब इतने सारे काम अगर हो रहे हैं हमारे तो चाहे हॉर्टिकल्चर में हो, चाहे स्पाइसेस में हो, चाहे गेहूं में हो, चाहे अब कपास के अंदर हो, हमारे किसान उन चीजों के अंदर जुट जाए और अपने काम से काम में लगे, हमें उनको राजनीति में नहीं फंसाना है। मैं देख रही हूं कि बहुत लोग किसानों के साथ राजनीति करने की कोशिश करते हैं और मैंने इन लोगों सबको ये कह दिया है कि आप भी अगर ये काम करते तो कितना अच्छा होता, पिछले 5 साल में कर देते, पिछले 70 साल में अगर कर देते तो आज राजस्थान को इस स्थिति में बैठने की जरूरत ही नहीं होती, हम लोग कहां से कहां चले जाते। और मैंने पिछले ग्राम के अंदर भी और इस ग्राम के अंदर भी हर एक MLA को चिट्ठी लिखवा के उनको
निमंत्रण देने का काम किया है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के हो, चाहे वो कांग्रेस के हो, चाहे हमारे प्रतिपक्ष के नेता हो, चाहे हमारे पुराने चीफ मिनिस्टर साहब हो, सब लोगों को हम लोगों ने बुलाने का काम किया है, क्योंकि हम मानते हैं कि सबको इस चीज के अंदर इतना बड़ा काम हो रहा है उसके अंदर अपनी भी छोटी सी आहुति देने का एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी बन जाती है। सब लोग काम करेंगे तो किसान अपने पैर पे खड़े हो जाएंगे और गांव का औचित्य पूरा हो जाएगा। आज मैं धन्यवाद देना चाहती हूं हमारे वेंकैया जी को। एक बार ही उनको कहना पड़ा, उनसे मैंने हाथ जोड़ के इतना ही निवेदन किया कि आप मेहरबानी करके आ जाइए, इतना बड़ा काम हमारे कोटा के अंदर होने जा रहा है, हमारे किसानों को, इस क्षेत्र के किसानों को नवाचारों के साथ हम जोड़ना चाहते हैं, अगर आप आओगे तो हमारा मैंने इस फंक्शन के अंदर चार चांद लग जाएंगे। मैं जानती हूं कि वो कितने बिजी हैं, आप देखोगे तो विजयवाड़ा, हैदराबाद, दिल्ली, झालावाड़, कोटा, मैंने हमेशा चलते ही रहते हैं, फिर भी उसके बीच में उन्होंने समय निकाल के हम लोगों के बीच में आने का टाइम दिया है, उसके लिए मैं उनकी बहुत बहुत आभारी हूं। मैं धन्यवाद देना चाहती हूं कि किसान को इतना बड़ा औचित्य देते हुए, इतना बड़ा सम्मान देते हुए आज वो भी हम लोगों के बीच में यहाँ आए हैं, और मैं विश्वास करती हूँ कि आज और अगले दो दिन के लिए जो बैठकों के साथ मैं आप लोगों को बैठने को मिलेगा, जिन विशेषज्ञों के साथ आपको बातचीत करने का मौका मिलेगा, एक दूसरे के साथ बात करने का मौका मिलेगा, यहाँ बहुत सारे प्रदर्शनियां लगी हुई हैं उनको देखने का आपको मौका मिलेगा, तो आप यहाँ से जब जाओगे तो कुछ लेकर ही जाओगे और अपने क्षेत्र के अंदर उस अच्छे काम को करने में सक्षम रहोगे, और खुद ही नहीं फैलाओगे इस चीज को, इतना फैलाओगे तो मैं तो समझती हूँ कि राजस्थान का एक खुशहाली का इंडेक्स में कहती हूँ कि सबको खुश रखने की जरूरत है, और खुश तभी होगा आदमी जब अपने पैर पे खड़ा होकर कमाने का काम कर पाएगा। तो मैं आप सबको आज बधाई देना चाहती हूँ और यही विश्वास करके यहाँ से जाऊंगी कि यहाँ से आप लोग सब कुछ ना कुछ लेके जाके अपने क्षेत्र के अंदर उसको बढ़ाने का काम जरूर करोगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग सबको, जय किसान और जय जय राजस्थान, सबको बहुत बहुत धन्यवाद।